मुस्लिम हम अब भी कर रहे हैं कि अब भी हमारे हिंदुस्तानी मुस्लिम जो है हमारे कंधे में कंधे मिला के चल रहे हैं, जय श्री राम को नारा लगा रहे हैं, हमारे साथ बैठ रहे हैं, हमारे साथ उठ रहे हैं। आज मेवात में मेवातियों क्यों नहीं जय श्री राम को नारा लगाता है? क्या दिक्कत है जय श्री राम को नाम लेने में उनको? कि जो मुस्लिम जय श्री राम को नारा ना लगाने से, जय श्री राम को नारा लगाने पे जो हिंसा फैलाता है, जो लोगों को मर्डर करता है, उस पर तो जांच बैठने चाहिए, उसको रोक लगना चाहिए। बीजेपी कहता है कि मैं हिंदुओं का बहुत बड़ा लीडर हूँ और हिंदू के वजह से बीजेपी आज नरेंद्र मोदी जी शासन कर रहे हैं, लेकिन शासन का गलत उपयोग कर रहे हैं वो। आज हिंदुओं का मतलब बजरंग दल का नेता है मोनू मानेसर, बाय द वे मान लो कि उसने उसको ऊपर चार्ज हुआ कि आपने राजस्थान का दो आदमी को मार के जला दिया। चलो ठीक है, उसने मान लो कि साबुत तो नहीं हुआ कि इसने जलाया है, लेकिन एक मोनू मानेसर फरवरी में हत्या हुआ करवाया या कुछ भी किया हो, मैं उसके ऊपर नहीं जाता, लेकिन एक मोनू मानेसर बोला कि मैं आ रहा हूँ मंदिर में, तो वहाँ पे जो मुसलमान लोग हैं मंदिर में 4 घंटा पहले पहाड़ियों पे कैसे चले गए थे? निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण ना भूलें, लेकिन इस समय बात लगातार भारत देश में हिंदू मुस्लिम और हिंसाओं की जा रही है। 2024 का चुनाव नज़दीक है, जहां भाजपा पार्टी पर दाग लगाया जा रहा है कि आपके आने से ही भारत देश में हिंसा बढ़ गई है, तो दूसरी तरफ विपक्ष का ये कहना है कि भाजपा पार्टी पहले से ही हिंसक है। ये तमाम सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। दूसरी बात, संस्कार और संस्कृति के लिए भारत देश जाना जाता है, हिंदू मुस्लिम की बात आखिर क्यों विवादित होती जा रही है? चाहे ज्ञान वापी का मुद्दा हो या फिर कोई भी मुद्दा हो, जब जुलूस निकलता है तब भी जो है भ्रंत देखने को मिलती है, पत्थरबाजी हो जाती है। ओबीसी अपने आप को क्या बताते हैं आप सभी ने देखा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त जो खड़ा हो रहा है वो ये खड़ा हो रहा है कि 2024 के पहले क्या हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बीजेपी को डुबो देगा? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, आखिर क्यों भारत देश में लगातार हिंसाएं बढ़ती चली जा रही हैं। मणिपुर की हिंसा की बात कर लो या फिर हरियाणा हिंसा की बात कर लो, राजस्थान की बात कर लो, तमाम राज्यों में जो तस्वीरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं लगातार भारत देश के नागरिकों को परेशान करती हुई लग रही। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम पप्पू कुमार हुआ, मैं एक हिंदू समाज से हूँ और मेरा सनातन धर्म है और मेरा आरोप है बीजेपी से जो कि मणिपुर दंगा को भटकाने के लिए इन्होंने हरियाणा में दंगा करवाया। दंगा ऐसे हुआ जैसे देखा जाए और इस चीज़ को गहरी तरह से समझा जाए कि हमारी हिंदुओं का जुलूस निकलता है तो वहाँ पे हरियाणा सरकार को पुलिस प्रोटेक्शन देना चाहिए, लेकिन पुलिस प्रोटेक्शन नहीं देने के कारण आज हमारे हिंदुओं को वहाँ पे मारा गया। और बीजेपी कहता है कि मैं हिंदुओं का बहुत बड़ा लीडर हूँ और हिंदू के वजह से बीजेपी आज नरेंद्र मोदी जी शासन कर रहे हैं, लेकिन शासन का गलत उपयोग कर रहे हैं वो। आज हम हिंदू होते हुए आज यहाँ के सांसद हैं रमेश भिदूड़ी जी, हम उनको वोट देते हैं, लेकिन आज जिस तरह से इसे हिंदुओं के ऊपर प्रताड़ना हो रहा है, अब तो बीजेपी से ही हम लोगों को मतलब घिरना हो रहा है। आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं लेकिन मुस्लिम भी तो आपके भाई हैं, हम भारत देश में रहते हैं, हमारे लिए तो सब धर्म समान हैं। लेकिन मुस्लिम भाई हमारे हिंदुओं के बारे में नहीं सोचते ना। आप जैसे देखो, ये कहते हैं कि मोनू मानेसर हिंदुओं को मतलब बजरंग दल का नेता है। मोनू मानेसर बाय द वे मान लो कि उसने उसको ऊपर चार्ज हुआ कि आपने राजस्थान का दो आदमी को मार के जला दिया। चलो ठीक है, उसने मान लो कि साबुत तो नहीं हुआ कि इसने जलाया है, लेकिन एक मोनू मानेसर फरवरी में हत्या हुआ करवाया या कुछ भी किया हो, मैं उसके ऊपर नहीं जाता, लेकिन एक मोनू मानेसर बोला कि मैं आ रहा हूँ मंदिर में, तो वहाँ पे जो मुसलमान लोग हैं मंदिर में 4 घंटा पहले पहाड़ियों पे कैसे चले गए थे? आज हरियाणा सरकार के जो कहते हैं खुफिया एजेंसी होते, क्या सोया हुआ था? ये तो गलत है ना। हरियाणा सरकार कहती है कि कहने का मतलब हम हर पब्लिक को सुरक्षा नहीं दे सकते, तो तुम काहे के लिए बैठे हुए हो, हैं? इसमें किस बेस पे तुम बैठे हो भाई, तुम सरकार छोड़ो। तो विकल्प क्या है आपके पास? आप भाजपा पर सवाल खड़े तो कर रहे हैं, विकल्प क्या है? विपक्ष ने गठबंधन कर लिया है, विपक्ष मजबूत होना चाहिए तभी जो सरकार है मोदी सरकार है तभी वो बढ़िया से काम करेगा। आप चाहते हैं कि बीजेपी हट जाए 24 में हटना चाहिए, सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए। तो अभी तो आपने बोला कि बीजेपी हिंदुओं के लिए मसीहा कही जाती है, हिंदुओं की बात रखती है, कांग्रेस पार्टी आ जाएगी या कोई अन्य पार्टी आ जाएगी?
हमारे कहने का मतलब ये है कि हम हिंदू राष्ट्र का, या तो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे, जगह जगह पे बोलते हैं, तो यार तुम्हारे पास में क्या चीज़ का कमियां है जो हिंदू राष्ट्र तुम घोषित नहीं कर सकते हो? राज्यसभा में तुम्हारे पास बहुमत, लोकसभा में बहुमत, तुम्हारी सेंट्रल में सब चीज हर जगह पे। तो वही है कि मुस्लिम भी तो आपके भाई हैं, हिंदू राष्ट्र आप घोषित कर देंगे, मुस्लिम जो है मोर्चा खोल देंगे, फिर आपको अच्छा लगेगा? मोर्चा खोलना के जब जब पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान का कहीं पे हिंदू और हिंदू राष्ट्र नहीं बना है। आप जाइए, क्या क्या कह रहे हैं अंकल, क्या नाम है आपका पहले? संजय यादव। आप आज मेवात के अंदर में जाइए, आप एक बार जय श्री राम को नारा नहीं लगा सकते हैं। तो वैसे मुस्लिम किस बात पे हिंदू है, कैसे उसको हिंदुस्तान में उसको ये दिया जाए? हम कहते हैं हमारे मुस्लिम भाई हिंदुस्तानी जो है वो आज भी जय श्री राम को नारा लगाता है, कंधे में कंधे मिला के चलता है। ये नहीं कि दंगियाइयों को साथ लेकर, बांग्लादेशियों को साथ लेकर झलसा फैलाता है, झलसा फैलाता है, बहन बेटियों पे इज्जत को ये करता है। आज आपने देखे होंगे कितने मुस्लिम की लड़की जो है हिंदू के लड़के के साथ गया, लेकिन हिंदू लड़की को हिंदू बनकर अपने झांसे में लेता है, उसके बाद जो है उसके साथ गलत उपयोग मार के फेंक दिया गया, बुरे तरीके से ये हुआ। तो उस मुस्लिम को हम कैसे कह सकते हैं कि वो हमारा हिंदुस्तानी है? जो मुस्लिम हमारा हिंदुस्तानी मुस्लिम रह रहे हैं, और सबसे बड़ी बात अब्दुल कलाम को आप भूल गए, वो भी तो एक मुस्लिम थे। मुस्लिम हम अब भी कर रहे हैं कि अब भी हमारे हिंदुस्तानी मुस्लिम जो है हमारे कंधे में कंधे मिला के चल रहे हैं, जय श्री राम को नारा लगा रहे हैं, हमारे साथ बैठ रहे हैं, हमारे साथ उठ रहे हैं। आज मेवात में मेवातियों क्यों नहीं जय श्री राम को नारा लगाता है? क्या दिक्कत है जय श्री राम को नाम लेने में उनको? अगर वो हिंदुस्तानी है तो जय श्री राम को नारा लगाने में कोई दिक्कत है? आपने, आपके भाई ने हिंदू राष्ट्र की बात कर दी, सर्वधर्म धर्म संभाव की हम लोग बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम हमारे पास है, सब कुछ तो है, हिंदू राष्ट्र घोषित करने से तसल्ली मिल जाएगी? उससे हमें कोई लेना नहीं है, आज भी हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान ही रहेगा। हिंदू राष्ट्र घोषित हो ना हो, लेकिन इस चीज़ पर रोक होना चाहिए कि जो मुस्लिम जय श्री राम को नारा ना लगाने से, जय श्री राम को नारा लगाने पे जो हिंसा फैलाता है, जो लोगों को मर्डर करता है, उस पर तो जांच बैठने चाहिए, उसको रोक लगना चाहिए। आज मैं आपको नूह चले जाओ, मेवात चले जाओ, आपको बता रहा हूँ, आप मीडिया वाले हो, आप हर जगह जाते हैं, वहाँ पे आप 5 बंदे 10 बंदे 50 बंदे लेके जय श्री राम को नारा नहीं लगा सकते हैं। तो हमारे तो मोदी जी से, बीजेपी सरकार से यही गुहार है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई जरूर हैं, लेकिन जय श्री राम का नारा लगे वहाँ पर भाई भाई है। एक सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ, लगातार ये चर्चाओं का विषय भी बन रहा है कि जय श्री राम किसी विशेष के नहीं है, उनको राजनीति में तब्दील क्यों किया जा रहा है? जय श्री राम राजनीति में तब्दील करना ठीक है क्या? नहीं 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 नहीं, राजनीति में जय श्री राम का क्या मतलब है? मेरा मान्य है जो हमारा पूजनीय है तो उनको तो नाम लोगे ना आप। आज हम कोई भी मुस्लिम भाई हमारे पास से अल्लाह हुक्मर करता है, आज को 2-4-6 महीना पहले आपने देखे होंगे कि नमाज जब पढ़ता था पूरे रोड हमारे पुलिसकर्मी बंद करा दिए जाते थे, उनके लिए पूरे फौज खड़ा रहता था। आज अगर कोई हिंदू भाई कोई मंदिर में जाकर नहीं जुलूस के साथ किसी झंडा के साथ, सवाल मेरा आपसे रहेगा कि ये गाना बड़ा जो है फेमस हो रहा है कि जो उनको लाए हैं मैं हम उनको लेके आएंगे, आप समझ रहे हैं हमारी बात को, जो राम को लाए हैं हम उनको लेके आएंगे, राम को कोई ला पाया, ये गाना ठीक है? नहीं, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल के अंदर में प्रधानमंत्री बनने लायक हमारे हिंदुओं को समाज के लिए सबसे बड़ा कोई अगर नेता है तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। मोदी जी से कुछ नहीं हो रहा, मोदी जी के नाम पे हम वोटिंग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अगर योगी को प्रधानमंत्री चेहरा के रूप में सामने रख दिया जाए तो वोटिंग कर दोगे? वोटिंग करेंगे। एक और गाना प्रसिद्ध हुआ, टोपी वाले भी सर झुका के जय श्री राम बोलेंगे, ये क्या है? ये गलत है, हा? ये गलत है। वो हिंदू मानते हैं इस चीज को कि हमारा जैसे धर्म है, आज उनकी ताजिया हुआ 2 दिन पहले ताजिया हुआ, हम लोग कोई हिंदुओं में कहीं सुना हिंदुस्तान के अंदर में कि पथरा हुआ नहीं हुआ? लेकिन हमारी एक मंदिर में जुलूस निकलता है परंपरा के अनुसार, सदियों से निकलते आ रहे हैं। और बुलडोजर से जो मस्जिद तोड़ी जा रही है वो ठीक है? जो मस्जिद तोड़ी जा रही है, मंदिरों तो टूट रहे हैं ना, दिखाओ कि मुस्लिमों के तजिया में हम चंदा देते हैं। जो आज देखिए, ये देखिए आप, हम तजिया में भी चंदा कटवा के देते हैं उनको, ये हमारे पास साबूत है।
लेकिन ये बुलडोजर चल रही है जो मस्जिदों पर, वो ठीक है? नहीं तो मंदिरों पे भी तो चलते हैं ना, जो अवैध तरह से मान लो बने हुए हैं जो रोड पे है। तो आप एक चीज कभी भी देखो कि कहीं पे भी रोड निर्माण होता है तो वहाँ पे मंदिर भी को भी साइड किया जाता है, मस्जिद को भी साइड किया जाता है। आपको लगता नहीं कि भाजपा पार्टी आने के बाद कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का जो विवाद है वो बढ़ गया है? 9 साल पहले कभी आपने देखा कि ऐसा विवाद हुआ हो? कभी टोपी वाला सर झुका के जय श्री राम बोला, इस तरीके का गाना आया हो, कभी तजिया में लड़ाई हो, कभी आपको लगा ऐसा? नहीं, ऐसा तो खैर नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ तो साजिश इसमें रह रहा है, लग रहा है इसमें कुछ राजनीतिक साजिश है। आपको लगता नहीं कि विवाद जो है लगातार भाजपा पार्टी की सरकार में बढ़ता चला जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें कुछ न कुछ राजनीति का मोर्चा है इसमें, ठीक है, और वो कौन जान सकता है राजनीति में क्या है। तो जो ये तमाम सवाल जो हिंदू मुस्लिम पर लगातार खड़े हो रहे थे आपने सुने, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि तजिया हो तो हम चंदा भी देते हैं, तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र भी बनना चाहिए, ये सवाल तमाम है। लेकिन 2024 के चुनाव के पहले पहले क्या जनता की ये मुद्दे ठीक हैं, हिंदू मुस्लिम करना ठीक है? क्योंकि हिंदू मुस्लिम भाई भाई ये हम बात लगातार कहते हैं, संस्कार और संस्कृति की बात हम करते हैं, यत्र नार्यस्तु की बात हम करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात हम करते हैं, लेकिन लगातार जब हिंदू मुस्लिम की बात आती है तो कहीं ना कहीं कष्ट होता है कि भारत देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या पहुँच रही है। मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा कि जो हिंदू मुस्लिम का विवाद है वो ठीक है? नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ कुछ लोग बोलना पसंद नहीं कर रहे, वो अपना एक निजी मसला है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अब 24 में भाजपा के लिए मुद्दा क्या होगा और कैसे जो है हिंदू मुस्लिम का जो विवाद है वो खत्म होगा, क्योंकि इस विवाद के कारण ही कहीं ना कहीं भाईचारा की जो भावना वो खत्म हो रही है, क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं उस देश में ये लगातार कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा संसार ही हमारा परिवार है। कैसे भारत के प्रधानमंत्री इस परिवार को संजो कर रखेंगे ये भी देखना पड़ेगा, और आने वाले वक्त में चुनावी मसले के रूप में मुस्लिम वोट किसको करेगा ये भी देखना पड़ेगा। आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सविता।